हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ टेक प्रोग्राम माइंड। आज की वीडियो में हम आरवी इंसर्ट एल्गो के बारे में देखेंगे कि आरवी इंसर्ट एल्गो किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप देखेंगे कि मैं साइड में ही लिख रखे हैं कि हिंदी में, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरी एल्गो है ये। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन की मदद से। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और उसको फिर स्टेप बाय स्टेप से देखिए समझते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 40, 20, 60, 50, 80 और हमें इंसर्ट क्या करना है 30 इंसर्ट करना है। मतलब कि जेड इज इक्वल टू 30 हमें इंसर्ट करना है। आप जानते होंगे कि इसमें बाइनरी सर्च ट्री का एल्गो लगती है, मतलब बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट लगता है। तो हमें मालूम है कि हमारा 30 यहाँ पर आएगा, ये हमें आउटपुट मालूम है कि हमारा 30 यहाँ पर आना ही है। तो चलिए अब इसको एल्गो की मदद से हेल्प करते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं। देखिए पहली लाइन कहते, देखिए वाई टेंस टू निल टी, मतलब वाई इसका लाइन का मतलब क्या है, जब एक भी नोड नहीं हो, मतलब कि यहाँ पे एक भी नोड नहीं हो तो हमारी ये वाली लाइन पहली वाली लाइन इंप्लीमेंट होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर ट्री दे रखा है तो हमारी पहली वाली लाइन इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब क्या सेकेंड वाली लाइन पे, अब सेकेंड वाली लाइन पे क्या दे रखा है, एक्स टेंस टू रूट टी। यहाँ टी का मतलब क्या है, टी का मतलब ये रूट है ऊपर वाली नोड 40, यानी कि ये आप देखेंगे यहाँ टी का मतलब आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख लीजिए 40 और यहाँ पे जेड का मतलब हमारा है 30, जेड हमारी 30। अब इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है रूट को एक्स दे दो, मतलब कि रूट के कौन सी हमारी रूट, ये 40 रूट है, इसको हम एक्स असाइन कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे एक्स लिख देंगे, एक्स यहाँ लिख दिया। अब क्या करें, वाइल की कंडीशन चेक करेंगे, वाइल एक्स नॉट इज इक्वल टू नल, मतलब इसमें क्या दे रखा है, वाइल नल नहीं है क्या, वाइल सॉरी एक्स नल नहीं है, एक्स नल नहीं है क्योंकि एक्स में 40 दे रखा है, इसलिए वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्या आ गई, डू वाई टेंस टू एक्स, मतलब इसका मतलब क्या है, वाई हमारा एक्स के पास चला जाएगा, मतलब यहाँ पे हम वाई दे देंगे, वाई फिलहाल कहीं नहीं था, अब हमने यहाँ पर वाई एक्स के साथ साथ इसको वाई भी असाइन कर दिया। यहाँ पर एक्स को डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ वाई भी चला जाएगा, दोनों एक्स वाई दोनों यहीं पर आ जाएंगे। अब क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि की ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ पर आप लिख के समझाता हूँ, जैसे की ऑफ जेड, जेड जेड हमारा क्या है, जेड हमारा है 30 और इसके साथ चेक करना है की ऑफ एक्स कितना है हमारा 40। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब 40 बड़ा है 30 से, यस कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये वाली लाइन चलेगी। आपको एक बात याद रखनी है, वाइल का देखिए वाइल के ब्रैकेट लग रही है वाले और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, अभी मैं इसको बताता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम इस वाली लाइन को देख रहे हैं। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी हमारी, ट्रू होने के बाद ये वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि इफ़ के बाद ये वाली कंडीशन चलेगी, यानी कि एक्स हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। देखिए मैं देख रहा है एक्स लेफ्ट में जाएगा, एक्स लेफ्ट में जाएगा मतलब क्या, कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्स, मतलब एक्स हमारा यहाँ पर आ गया। अब एल्स वाली कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है एल्स वाली छोड़ देंगे। अब क्या करना है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को जरा गौर से देखिएगा क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, पी ऑफ जेड टेंस टू वाई, मतलब जहाँ हमारा, अब देखिए पढ़िए पहले मैंने क्या लिखा है, वाई हमारा जेड के पेरेंट के पास चला जाएगा, वाई हमारा यहाँ पे, वाई हमारा कहाँ जाएगा, पेरेंट्स ऑफ जेड कितना, मतलब जेड कितना है 30 हमें मालूम है कि यहीं पे आएगा। और 30 का पेरेंट्स कौन होगा, चाइल्ड तो 30 है, पेरेंट्स हो गए 20, समझिएगा 30 तो हमारा क्या है, चाइल्ड है, क्योंकि हमें मालूम है बाइनरी सर्च ट्री में क्या लगता है, छोटा वाला इधर आता है, बड़ा वाला यहाँ आता है। अब अगर मान ली 12 होता तो इधर साइड आता, और 30 है तो इस साइड ही आएगा हमें मालूम है। अब 30 यहाँ चाइल्ड है, पेरेंट्स कौन सा हुआ 20, तो वाई कहाँ जाएगा हमारा, वाई हमारा जेड के पेरेंट के पास चले जाएगा, जेड का पेरेंट कौन सा, ये, तो मतलब यहाँ पे हमारा चला जाएगा वाई, यहाँ हमारा वाई आ गया। अभी देखिए यहाँ ब्रेसिस मैंने बंद करें, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे वाइल वाइल के बाद। अब थोड़ा चेक करेंगे, एक्स डज नॉट इज इक्वल टू नल, क्या एक्स नल नहीं है, कंडीशन ट्रू क्योंकि एक्स नल नहीं है। देखिए एक्स हमारा नल नहीं है, मतलब कि अब एक्स नल नहीं है तो वाली कंडीशन चलेगी दोबारा, मतलब इसका मतलब क्या है कि जहाँ हमारा एक्स होगा वाई के पास चला जाएगा, हमारा वाई एक्स दोनों सेम जगह है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है ही है।
इस तरह से करने चेक करेंगे इफ की ऑफ जेड ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। अब देखिए दोबारा चलेगा की यहाँ पे आइए, की ऑफ जेड, जेड कितना है 30, और ये की ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स हमारा अब यहाँ पे एक्स चेंज हुआ है ना, तो एक्स 20 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे एक्स 20। क्या ये ट्रू है? एक्स क्या 20 30 से बड़ा है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, क्योंकि 20 बड़ा नहीं है 30 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो देखिए यहाँ देखिए, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, मतलब एक्स कहाँ जाएगा, एक्स राइट में जाएगा, एक्स राइट में जाएगा, एक्स हमारा कहाँ पे, एक्स यहाँ पे, तो एक्स हमारा कहाँ पे चला जाएगा, राइट में, यानी कि एक्स आ गया हमारा यहाँ पे, एक्स हमारा राइट में आ गया। खाली एक्स की पोजीशन चेंज हुई, इसमें हमने कोई वैल्यू अभी एंटर नहीं कराई है। अब एक्स हमारा राइट में आ गया, मतलब कि एल्स वाली कंडीशन हमारी चल गई। चलने के बाद अब देखिए ये आ गया पेरेंट्स ऑफ जेड, मतलब कि वाई हमारा जेड के पेरेंट के पास चला जाएगा। वाई हमारा फिलहाल कहाँ पे है, वाई हमारा यहाँ पे, पेरेंट कौन सा है, जेड तो हमारा 30 यहाँ पे आएगा, वो मालूम ही है, जेड का पेरेंट कौन सा है 20, मतलब वाई हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। अब दोबारा वाई लूप चलेगा हमारा, वाई लूप यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे एक्स डज नॉट इजिकल टू नल। अब देखिए ट्री में देखिए, एक्स डज नॉट इजिकल टू नल, मतलब एक्स नल नहीं है, एक्स तो हमारा नल है क्योंकि वैल्यू है नहीं है, तो मतलब कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद देखिए इस वाले बेसिस से यहाँ पे फॉर लूप से, सॉरी वाइल लूप से बाहर आएंगे और नाइन्थ वाली कंडीशन को चेक करेंगे कि एक्स नल है, देखिए एक्स सॉरी वाई नल है, वाई हमारा नल नहीं है क्योंकि वाई में 20 ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि वाई नल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी और ये वाली नहीं चलेगी। अब एल्स वाली कंडीशन पे आएंगे, एल्स वाली चेक करेंगे, एल्स इफ की ऑफ जेड की ऑफ वाई, जरा इसको देखिए लिख के बताता हूँ, की ऑफ जेड हमारा ये आप देखिए यहाँ पर, ये की ऑफ जेड, जेड कितना हमारा, जेड हमारा 30, और की ऑफ कितना है, की ऑफ वाई, की ऑफ वाई कितना हमारा, वाई हमारा 20 दे रखा है, वाई 20। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 20 छोटा है 30 बड़ा है, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद क्या होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी नहीं चलेगी, यानी कि ये वाली भी नहीं चलेगी। अब क्या आएंगे एल्स राइट पे, मतलब कि क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी क्योंकि ये वाली चलेगी नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई एल्स वाली, अगर ये वाली ट्रू होती तो ये वाली चलती। अब एल्स वाली कंडीशन पे आगे देखिए, एल्स इफ है, पहले ये कंडीशन चली, इसको चेक करी, फिर ये वाली चेक करी, ये वाली भी फॉल्स हुई, तो फिर डायरेक्ट इस पे आए हैं। आप ऐसा मत करिए कि ये वाली चलाई फिर ये वाली छोड़ दी, ये वाली चला रहे, नहीं, वाई इस वाली चलेगी फिर ये वाली चलेगी, इफ एल्स वाली, एल्स इफ वाली, फिर एल्स राइट वाली। अब क्या करते हैं देखिए, इसका मतलब देखिए जरा समझिएगा, जेड हमारा कितना है, यहाँ देखिए राइट ऑफ वाई, राइट ऑफ वाई, वाई कितना हमारा, वाई हमारा है 20, वाई हमारा है 20, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई ऑफ राइट ऑफ जेड, ये जेड है, तो यहाँ पे जेड कितना है हमारे पास, जेड हमारे पास है, जेड हमारे पास कितना है 30, क्योंकि मुझे 30 तो इंसर्ट कराना है, मतलब क्या ये 30 हमारा चले जाएगा राइट ऑफ 20, राइट ऑफ 20 मतलब 30 कहाँ जाएगा, राइट 20 के राइट में चले जाएगा, मतलब अब हमारा 30 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ 30 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इस कंडीशन को हमने फॉलो करा है, 30 इंसर्ट हो जाएगा राइट ऑफ 20 में, मतलब राइट ऑफ 20 कितना, ये वाला, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट ऑफ 20 में यहाँ आगे 30, ठीक है, यहाँ राइट ऑफ 30 आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन देखिए, लेफ्ट ऑफ जेड नेल, लेफ्ट ऑफ जेड, जेड हमारा क्या है, जेड हमारा ये हो गया, क्योंकि 30 दी तो था हमारा जेड, अब जेड हमारा ये हो गया। अब इसमें क्या लिखा है कंडीशन देखिए, लेफ्ट ऑफ जेड हमारा निल है, मतलब इसको लेफ्ट ऑफ जेड को यहाँ पर हमें निल लिखना पड़ेगा, मतलब खाली यहाँ निल लिख दी है, खाली छोड़ दी है, बात एक ही है। और उसमें देखिए नेक्स्ट वाली कंडीशन, राइट ऑफ जेड इज निकल निल, आप यहाँ भी इसको निल बनाएंगे, आप चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं, मैंने निल लिख दिया है, ये निल है। अब देखिए कलर ऑफ जेड इज इक्वल टू टेंस टू रेड, मतलब अब हम जेड, जेड हमारा ये वाला था, तो इसको हम रेड कलर दे देंगे, ये वाला, ये हो गया रेड कलर, मतलब कि 30 वाला हमारा हो गया रेड कलर का, कलर असाइन हो गया। आप देखेंगे कि हमारा ये 30 इंसर्ट हो गया, और हमें पहले ही मालूम था कि 30 यहीं पे आएगा, 20 के बाद 30,
आप देखिए पूरा ट्रिक ढंग से बना के दिखाता हूँ एक्चुअली में है क्या ये। यहाँ देखिए ये 40 हमारा जो आउटपुट आया है, 40 के बाद हमारे यहाँ लिखना है 20 20 और यहाँ था हमारा 60 60 के बाद ये हमारी एक्सटर्नल लोड थी जो मैं पहले दिखाया था ना आपको, ये सब इनको एक्सटर्नल लोड कहते हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा 30, हमने इंसर्ट करा था ना अभी, इंसर्ट करने के बाद ये हमारी एक्सटर्नल लोड आ गई। एक्सटर्नल लोड कंपलसरी होती है कि हम वाले में ही होंगी ही होंगी ये। और यहाँ तो 50, ये 50 आ गया, ये 80 आ गया, और ये इसकी एक्सटर्नल लोड, और ये इसकी एक्सटर्नल लोड, ये इसकी एक्सटर्नल लोड, ये इसकी एक्सटर्नल लोड। आप देखेंगे कि हमारा ट्री बन गया है, 30 हमारा इंसर्ट कराना था वहाँ इंसर्ट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे यहाँ अभी एक लास्ट स्टेप रह गई थी मेरी, 17 आर बी इंसर्ट फिक्स अप, ये वाली भी नेक्स्ट स्टेप, हम 17 वाली स्टेप इसकी एक अलग एल्गो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो कि आर बी इंसर्ट एल्गो किस तरह वर्क करती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसी और भी वीडियोज़ बनाऊंगा। आप देखेंगे कि मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में क्या होता है अच्छी से समझ में आता है। आप भी ये कोशिश करिएगा कि आप भी हिंदी में लिख लें, आप जो आप जिस भी लैंग्वेज में सफिशिएंट है आप उस लैंग्वेज में लिखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।